चलें अभी देख रहे हैं माइक्रो एक्सेल में ये मीटर रीडिंग को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ डेटा डाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मीटर का नंबर डाल दिया, जैसे A41023, ठीक है। कस्टमर का नाम डाल दिया हमने, सपोज टू बी साजिद अली, ठीक है। इसके मीटर में जो लास्ट टाइम रीडिंग थी वो डेटा इनपुट हम देंगे। जैसे इसके मीटर में लास्ट टाइम यूनिट जो कंज्यूम हुए थे वो 1001 थे, और फिर अब इस महीने जो इसकी मीटर की रीडिंग आई वो आई तकरीबन 1130, ठीक है। तो यहाँ पर एक अब यहाँ पर हमें सोल्यूशन ये निकालना है कि कॉस्ट, सेल टैक्स, सरचार्ज, ड्यूटी, मीटर रेंट और टोटल टैक्स, और फिर नेट बिल, और फिर इस तरह जितने भी यूजर का डेटा हम इसमें डालते जाएं ये खुद ही उसको कैलकुलेट करता चला जाए। तो यहाँ पे क्लिक करके टोटल रीडिंग पे सम करेंगे, और यहाँ से करंट रीडिंग पे क्लिक करके माइनस करेंगे लास्ट रीडिंग को। डॉलर लगाएंगे, जैसे यहाँ पर डॉलर लगाएंगे तो यहाँ पर एंटर करेंगे, डॉलर गलत लग गया, ओके करते जी से पहले डॉलर लगाना है, यहाँ शिफ्ट के साथ फोर करके डॉलर लगाएंगे, एंटर करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे यहाँ तक, और फिर पकड़ के ड्रैग करेंगे इसको नीचे तक, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ड्यूटी पे क्लिक करके इक्वल का बटन दबाएंगे, इस पर सेल पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो इसकी ड्यूटी कैलकुलेट हो जाएगी। मीटर रेंट पे क्लिक करके इक्वल करेंगे और इस सेल का रेफरेंस करेंगे तो इसका मीटर रेंट कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हम जो रह गई थी, देखिए सारे यूनिट्स इससे ही मल्टीप्लाई होने हैं, तो यहाँ पे 6 यानी कि इसकी रो से पहले एक डॉलर लगाएंगे ताकि जब भी ड्रैग करें तो ये वाला रो नंबर चेंज ना हो, 6 नंबर रो, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सारे फार्मूलाज को क्लिक करके ऐसे करके ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, ये तो हुए हैं, और इसको भी कर लेते हैं। फिर टोटल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सम करेंगे, और यहाँ से जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इस सेल से लेके और इस सेल तक कैलकुलेट होगा, एंटर करेंगे, टोटल टैक्स निकल आया। उसके बाद नेट बिल निकालने के लिए सम करेंगे, और नेट बिल कैलकुलेट होगा जो कि यूनिट कॉस्ट है उसमें प्लस करेंगे जो कि हमारा टोटल टैक्स है, ठीक है। और उसको क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने इसको भी ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ, यहाँ से ड्रैग कर दिया तो ये सबका टैक्स कैलकुलेट होके आ रहा है। अब यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, तो जैसे ही अगली एंट्री करते हैं यहाँ पर हम कंट्रोल डी एक शॉर्ट की दबाई मैंने, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया इसकी लास्ट मीटर में रीडिंग ये थी और इस दफ़ा इसका मीटर गया है यहाँ तक। तो यहाँ पर टोटल हमने ड्रैग नहीं किया, तो क्लिक करेंगे इस पर यहाँ से और इसको भी ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इसके टोटल यूनिट जो चले हैं 130 चले हैं। अब इस पे यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है, मतलब अगर इसका 1300 रुपये की कॉस्ट है तो इसका टैक्स 18% के हिसाब से इतना ही कैलकुलेट होना चाहिए, पर ज़्यादा क्यों हो रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे इसकी रो को फिक्स नहीं किया, यानी कि 6 नंबर रो के आगे भी डॉलर लगना था, ये वाला कॉलम फिक्स होता, ये वाली रो फिक्स होती। यहाँ पर डॉलर लगाएंगे, एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आगे तक ड्रैग करेंगे, वंस अगेन नीचे की तरफ इसको अगेन अपडेट करेंगे तो ये देखें इसका सही कैलकुलेट हो गया। अब जैसे जैसे हम इसके अंदर डालते जाएंगे, अब इसका मीटर नंबर था सपोज टू बी 33 और यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पर हमने पिछले महीने की एंट्री ये थी और अगले महीने की अब इसकी एंट्री आई यहाँ पे इस तरीके से, तो इसके 128 यूनिट चले। अगर इसकी रीडिंग को हम बढ़ा देते हैं सपोज टू बी, यहाँ पे क्लिक करके F2 दबाते हैं और यहाँ पे 1630 की एंट्री कर देते हैं, तो ये एंट्री इस तरह से बढ़ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो कॉमा स्टाइल वाली वैल्यूज हैं इनको यहाँ से हम कम ज़्यादा कर लेते हैं और इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी हम इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं, इधर आ गया। अब इनको हम यहाँ से क्लिक करके सारी वैल्यूज़ को कॉमा स्टाइल अप्लाई कर देंगे, ठीक है, सबके आगे पॉइंट वाले जीरो वैल्यूज भी आ जाए, और ये हमारी चूंकि रीडिंग्स हैं इनके आगे हम कॉमा स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे, नंबर्स पर रखेंगे। इस तरह से फायदा ये होगा
कि अगर कल को यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ाते हैं 10 रुपये से 15 रुपये करते हैं, तो जैसे ही 15 रुपये करेंगे सबकी 15 रुपये के हिसाब से कॉस्ट अपडेट हो जाएगी। और अगर किसी का टैक्स बढ़ गया तो वो सिर्फ टैक्स अपडेट हो जाएगा, कहीं पर ड्यूटी कम हो गई सबकी ड्यूटी कम हो जाएगी, कहीं पर बढ़ गई तो सबकी ड्यूटी बढ़ जाएगी, और ये ऑटो ऑपरेशन इस पर होता रहेगा। अगर आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज रिक्वायर्ड नहीं है सपोज टू बी, तो फिर आप इसको यहाँ से डिक्रीज डेसिमल कर देंगे, तो पॉइंट वाली के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपको फिर दिखना बंद हो जाएंगी, और ये आपको फिर पूरा एक नंबर ही फॉर्म करके बता रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मीटर रीडिंग की जो शीट है उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं हर एक कंज्यूमर का, किस तरीके से वो कैलकुलेट हो रहा है।